दोस्तों यदि आप लोग एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया इन तमाम सिम कार्ड कंपनी के यूजर्स हैं तो आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और एक बैड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे वोडाफोन आइडिया ने चल दिया है बहुत बड़ा चाल, क्योंकि दोस्तों अभी आपको 49 का रिचार्ज प्लान, 79 का रिचार्ज प्लान और 99 का रिचार्ज प्लान वोडाफोन आइडिया ने देना स्टार्ट कर दिया है। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जी हाँ दोस्तों अब आप जो है 49 का रिचार्ज करवा सकते हैं, फिर से 49 का रिचार्ज फिर से करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये रिचार्ज करवाने का एक लोचा यहाँ पे क्या लगा दिया है वोडाफोन आइडिया ने, और इससे क्यों परेशान है जियो कंपनी, एयरटेल कंपनी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे दोस्तों वैलिडिटी प्लान का बात कर लीजिए तो अब आपको जो है महीने में 49 के रिचार्ज प्लान करवा के भी आप अपना सिम कार्ड को चालू रख सकते हैं। वोडाफोन आइडिया यूजर्स को देखना ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले दोस्तों ऑनलाइन अर्निंग फ्री रिचार्ज के लिए मैंने गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। तो दोस्तों 1 रुपए का रेफर बोनस आपको इंस्टेंट मिल जाएगा, तो जरूर से इंस्टॉल कर लेना लिंक के थ्रू। दोस्तों यदि आप लोग जियो सिम कार्ड यूजर्स हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा कैशबैक बेनिफिट का के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ था, जहां पे 300 के रिचार्ज 240 में और 199 का रिचार्ज 160 में ही हो रहे हैं। तो वो वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, जरूर से देख लेना, एंड स्क्रीन एनोटेशन पे या फिर मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। दोस्तों बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या लोचा लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे 49 का प्लान पहले भी था, ठीक है, वोडाफोन आइडिया में और एयरटेल में 49 का प्लान पहले भी था और अभी भी 49 का प्लान वोडाफोन आइडिया ने आप लोगों के लिए दे दिया है। 79 का प्लान पहले भी था और अभी भी दे दिया है। 99 का एक जो प्लान है ये अभी लाया गया है। इन तीनों प्लान में दोस्तों आपको जो है SMS आएगा आपके वोडाफोन आइडिया नंबर पे, और आप SMS किसी को भेज नहीं सकते हैं। इसमें SMS आउटगोइंग SMS सर्विस दिया ही नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि आपको इस प्लान लेने के बाद आप जो है वोडाफोन आइडिया के सिम को पोर्ट नहीं कर पाएंगे, यूपीसी कोड जनरेट नहीं कर पाएंगे, जिससे ये बेनिफिट होगा वोडाफोन आइडिया को कि उनका कस्टमर जो है पोर्ट करवा के इन सभी रिचार्ज प्लान में पोर्ट करवा के जियो में या फिर एयरटेल में नहीं जाएंगे। तो इसी के ऊपर बहुत बड़ा लोचा लगा हुआ था, और आपको मैंने इसीलिए बताया कि अभी आप लोग 49 का रिचार्ज प्लान, 79 का रिचार्ज प्लान और 99 का रिचार्ज प्लान कर तो सकते हैं, बट इस प्लान में आप लोग अपने सिम कार्ड को कन्वर्ट नहीं करवा पाएंगे जियो में या फिर एयरटेल में। यदि आप लोग दुकानदार भाई के पास जाएंगे तो वो बोलेगा आपको बड़ा प्लान लेने के लिए, जैसे 179 का प्लान, तो दोस्तों आप लोग पोर्ट करवा पाएंगे। तो यही चीज को ध्यान में रख के दोस्तों आप लोग प्लान डलवाना, बट ऐसे ही आपको सिम कार्ड बस चालू रखना है तो आप 49 का प्लान ले सकते हो, या दोस्तों आपको पोर्ट करवाना है तो 49 का प्लान भूल से भी मत लेना। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चैनल पे नया तो यार सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और किस कंपनी का सिम कार्ड आप लोग यूज करते हो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना।